मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग सब? आई होप कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग अबाउट माई होम टूर। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट डिले आज हमने करते होम टूर और आप लोगों को सारे चीज़ बताते हैं हमारा होम टूर में, वो भी फुल्ली फर्निश्ड 2 BHK होम टूर। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए शुरू करते हैं होम टूर ब्लॉग। सो गाइस, हमारा सोसाइटी में टोटल 6 टावर है। देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टावर है। इनमें से जो मेरा घर है टावर नंबर 2 मीन्स बी, बिल्डिंग बी पिनाकल में मेरा घर है 4th फ्लोर में। तो गाइस, मैं अभी आप लोगों को दिखाना चाहूंगी वो बिल्डिंग का नेम है पिनाकल। तो देखिए यहाँ पे बड़ा बड़ा लेटर में लिखा हुआ है पिनाकल, और पिनाकल से मेरा घर है 4th फ्लोर पे। इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए मैं एक पिंक कलर की कपड़ा भी डाल रखी हूँ, ऊपर से अभी देखने के लिए मिल जाएगा। यहीं पे मेरा घर है जो कि सुनू का एक ड्रेस है, मैं ऐसे डाल के रखी हूँ। और टोटली ऐसे देखो तो मेरा जो बिल्डिंग है यहाँ पे 17 फ्लोर तक है, तो मैंने लिया है 4th फ्लोर। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी चलते हैं लॉबी की ओर। सो गाइस, अभी हमने जा रही है टूवर्ड्स लॉबी एरिया, ये कि जो 1st फ्लोर का कनेक्ट करता है। हमारा ये स्टील फ्लोर नहीं है और एक फ्लोर नीचे भी है, तो अगला वीडियो में मैं सोसाइटी टूर में दिखाऊंगी। और ये रहा 1st फ्लोर का लॉबी। इस लॉबी पे दिया है 4 लिफ्ट, 3 जाने आने के लिए लोग और एक सर्विस लिफ्ट जिसमें कि हम सामान वगैरह ले सकते हैं और उतार सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हमने लिफ्ट को बुलाते हैं। और ये रहा हमारा 1st फ्लोर वाली लिफ्ट। हम अभी दबाएंगे यहाँ पे 4। देखिए मैं 4 प्रेस कर रही हूँ। यहाँ पे एक बड़ा वाला मिरर दिया है मेरे लिफ्ट में, कोई भी अगर देखना चाहे तो फेस को देख सकते हैं। तो चलिए 4th फ्लोर आके पहुंच गए हम फाइनली। अभी हमने करेंगे होम टूर। तो फ्रेंड्स दोस्तों, ये रहा मेरा लॉबी एरिया, ये पूरा। इनमें से हम जाएंगे इसी कॉर्नर पे, और यहाँ पे बहुत अच्छे से लाइट एंड हवा आती है, देखिए इस कॉर्नर पे। और अभी हमने करेंगे होम टूर। और फाइनली ये रहा मेरा मेन गेट, शिफ्ट डोर। शिफ्ट के लिए मैंने लगवाई हूँ ये डोर। देखिए रिसेंटली मेरे घर का पूजा हुआ था, ताकि कोई थेफ्ट वगैरह ना हो, इसलिए हमने ये सिक्योरिटी पर्पस में लगाया है। तो चलिए अभी चाबी में ओपन करते हैं। वेलकम। सो गाइस, आज मैंने आप लोगों को करवाऊंगी मेरा होम टूर, और हमने स्टार्ट करेंगे डोर से। और सारे मैंने बताऊंगी क्या क्या चीज़ मैंने घर पे लगवाया है। और ये है आज हमने होम टूर में देखेंगे 2 BHK फुल्ली फर्निश्ड होम टूर। तो चलिए फ्रेंड्स, सो गाइस यहाँ पे हमने शुरू करते हैं हमारा होम टूर। यहाँ पे देखिए एंट्रांस में मैंने यहाँ पे रखी हूँ सूर्य, ये है सूर्य, और ये सुनू को पसंद का बटरफ्लाई सूर्य में लगाई है। जब हम शूज पहनेंगे तो देखने में अच्छे लगेगा। और यहाँ पे मैंने एक फ्लावर का पॉट रखी हूँ, और यहाँ पे एक अम्ब्रेला, और सैनिटाइजर तो जरूरी है आजकल। कोई अगर बाहर जाएगा तो तुरंत, अगर धूप होगा, छाए कुछ भी हो, रेन हो, तो ये अम्ब्रेला लेके जा सकते हैं। और देखिए वो सूर्य के ऊपर में मैंने डेकोरेट किया ऐसे, ये मैंने सारे ऑनलाइन पे ऑर्डर करके लाई थी, ये पापा की पसंद का पापा ने लगवाए हैं। और ये रहा हम लोग का सूर्य, और ये छोटी वाली सुनू की सूर्य। यहाँ पे सुनू की सारे शूज एंड चप्पल्स सारी यहाँ पे रहती हैं।
ये पहले हमारा ये डोर मैट है, और जब हम घर का अंदर एंट्री करेंगे ना, नजर उतारने के लिए मेरी एक फ्रेंड ने गोवा से लाई थी, तो यहाँ पे देखिए एक डूला है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा सा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी घर का अंदर एंट्री करते हैं। आप लोगों ने देख पा रहे होंगे, ये है टीवी यूनिट मेरा। देखिए टीवी यूनिट में ये सारे मैंने बॉक्सेस बनवाई हूँ बोल के कारपेंटर को, और ये पूरा देखिए एक बार में देखने में ऐसे दिखता है। और ये जो दीवार है ना, ये दीवार को मैंने ऑरेंज कलर इसलिए किया, ये ऑरेंज और ये ऑरेंज का जो कॉम्बिनेशन है सही रहेगा, मैचिंग मैचिंग होगा। उसके साथ आप लोगों ने देखेंगे यहाँ पे एक फ्लावर भी मैंने फॉल्स सीलिंग करवाई, वो भी सेम कलर है, तो ये तीनों मैच होती है। यहाँ पे मैंने ये सारे डेकोरेट किए ऐसे, ये जो फ्लावर का मैंने खरीद के लाई थी, कहीं पे अगर मैं घूमने जाती हूँ ना तो कुछ कुछ खरीद के लाती हूँ। और ये सुनू को ये वाला जो ट्रॉफी दो सुनू को मिला था कोई कंपटीशन में, हमारा सोसाइटी में कुछ कंपटीशन हुआ था तो ये दो ट्रॉफी मिला, यहाँ पे डेकोरेशन के लिए मैंने रखी हूँ। और ये ने मुझे मेरी बर्थडे में मेरी भांजी ने गिफ्ट में दिए थे पूरा फैमिली। और ये हमने एक बार बैंगलोर घूमने गए थे तो ये तोप खरीद के लाए हैं। और ये देखिए ये फोटो में रखी हूँ, हम बैंगलोर से ही ये खिंचवाए थे। और यहाँ पे पापा जी ने बर्थडे में ऐसे वाला एक क्लॉक दिए थे, ये राइट साइड वाला ऐसे मैंने सजाई हूँ। और यहाँ पे एक हमारा इंटरकॉम फ़ोन है जो कि हम बिल्डिंग के अंदर किसी को भी फ़ोन कर सकते हैं। और ये रहा मेरा यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए लाइट्स। और इसी कॉर्नर पे एक है पापा जी का गिटार, और ये फ्लावर का पॉट। और इसी कोने में देखिए हमारा पूरा घर का चाबी है, हम कब भी बाहर निकलेंगे तो पहले हाथ इधर आता है फिर चाबी लेके हम चलते हैं, नहीं तो। और एक बार भी चाबी खो गए ना, खो गए और बाय मिस्टेक हमने चाबी छोड़ दिया घर का अंदर, तो और दरवाज़ा नहीं खुलेगा, फिर की मेकर को बुला के तोड़ना पड़ेगा और नया चाबी बनवाना पड़ेगा। तो इसलिए हम बी केयरफुल रहते हैं, जब भी हम घर से निकलते हैं माइंड को सेट करके चाबी लेके जरूर जाते हैं। सो गाइस, आप लोगों ने देख लिया होगा, और ये तो हमारा टीवी है फिक्स किया, पापा जी ने ये खरीदे थे बहुत दिन पहले, 10 साल का पुराना टीवी है ये, अभी भी अच्छा मस्त मतलब चलता है, कोई इशू नहीं। और यहाँ पे आप लोग ने देख रहे होंगे ये एक डियर है, और ये गो माता शुभ माना जाता है। तो ये मैं भी बैंगलोर घूमने गई थी लास्ट ईयर तो खरीद के लाई थी। और यहाँ पे टर्टोइस वो भी मैंने बैंगलोर से खरीद के लाई थी। और यहाँ पे आप लोग ने देख पा रहे होंगे एक फ्लावर का पॉट है, जो कि ये मैंने 99 मार्केट से खरीद के लाई थी। और यहाँ पे ऐसे जो शुभ होता है, और ये फैमिली कैलाश बसंती एंड सुनाया, और ये क्रेन भी लाई थी देखिए। सो गाइस, अभी तो हो गया हमारा टीवी यूनिट, और ऊपर में मैंने ऐसे लाइट्स इंटीरियर जब करवाई थी ऐसे ऊपर में लाइट लगवाई हूँ तीन, ताकि सुनू का बर्थडे में ये मदद हो सकता है। और सारे बॉक्सेस में भी लाइट ऐसे ब्लिंक हो रही है डिफरेंट कलर का। और यहाँ पे तीन ड्रॉ मैंने बनवाई हूँ घर का जो कुछ सामान होता है रखने के लिए। और ये पापा जी का ये बुक्स स्टॉल है जहाँ पे कि हम बुक शेल्फ है, यहाँ पे बुक्स वगैरह रह पाएगा। सो गाइस, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सारे चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, ए टू जेड एक्सप्लेन करूँगी, 2 BHK फुल्ली फर्निस कैसे मैंने की हूँ। तो गाइस, थोड़ा वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि मेरा हर एक आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ये रहा मेरा टेबल जहाँ पे कि ये जो लैपटॉप है यहाँ पे बैठ के मेरे वीडियो का काम करती हूँ, एडिटिंग वगैरह। जो पापा जी वर्क फ्रॉम होम पे थे तब वो काम कर रहे थे, अभी पापा जी का ऑफिस हो गया तो वो यहाँ पे बैठ के मैं काम कर रही हूँ। यहाँ से मुझे देखने के लिए व्यू भी मस्त लगता है, देख देख के ये करती हूँ। तो ये रहा मेरा लिविंग रूम, देखिए मैं ऐसे सजाई हूँ लिविंग रूम। हमारा ना लिविंग रूम में ही सोफ़ा है
और डाइनिंग भी है। एक्चुअली बिल्डर ने इसी दीवार को दिया था टीवी यूनिट के लिए, लेकिन मुझे बड़ा वाला चाहिए था तो मैंने यहाँ पे बनवा दी। सो गाइस ये रहा मेरा डाइनिंग, 4 लोग के लिए ही मैंने बनाई हूँ ये डाइनिंग सेट, और वो भी मार्बल बेस। मार्बल बेस इसलिए बनाई हूँ ताकि वो आसानी से कुछ भी अगर लग जाएगा आसानी से हम छुटा सकते हैं। मुझे बहुत पसंद है मार्बल बेस का डाइनिंग टेबल। एक्चुअली हमने घर में मेंबर ही 3 लोग है तो मैंने छोटा वाला ही प्रेफर किया है। अगर कोई मेहमान आते हैं तो बढ़ जाते हैं मेंबर, तब हम थोड़ा नीचे बैठ के भी एडजस्ट कर लेते हैं। और ये रहा छोटा सा मेरा सेंटर टेबल, बहुत क्यूट सा, मैं छोटा वाला ही चूज की हूँ देखिए। और इसके साथ एक फ्लावर का पॉट मैंने रख दिया है। एक्चुअली ये डाइनिंग का एरिया नहीं है, लेकिन मुझे जगह का थोड़ा कंजेस्टेड हुआ रहा था तो मैंने डाइनिंग इधर सेट की हूँ। एक्चुअली डाइनिंग का ये जगह है तो देखिए लाइट, देखिए ये जो डाइनिंग का एरिया है और यहाँ पे मैंने दीवार में लगाई हुई एक फैमिली फोटो फिक्स की हूँ, और ऑनलाइन पे मैंने ये ऑर्डर की थी डेकोरेशन करने के लिए दीवार को। और ऊपर में एक जो क्लॉक देख रहे हैं आप, ये भी कोई घर का पूजा में वो गिफ्ट दिए थे। सो गाइस ये है मेरा स्टैंड जो कि यूट्यूब के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ तो ये काम पे आती है। और ये रहा ऑल अबाउट माय लिविंग रूम। और ये सारे पर्दा मैं लगाई हूँ देखिए, बहुत मतलब ऊपर से ही हमने पर्दा लगाए हैं। मैं सोच रही थी ओनली विंडो को कवर करने के लिए, लेकिन पापा जी को पसंद नहीं आया, वो थोड़ा अपने हिसाब से ऐसे उनको पसंद था कि लंबे लंबे पर्दा लगाने के लिए, तो बहुत ऊपर से वो स्लाइडिंग लगा के ये वाली पर्दा लगाए हैं, एक ट्रांसपेरेंसी और एक जो थिक वाला मोटा वाला, ये लाइट को कवर करने के लिए और ये लाइट के लिए। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। सो गाइस देखिए कैसे दिखता है मेरा लिविंग रूम। ये रहा जो हॉल हम कह सकते हैं हॉल। ऑल अबाउट हॉल। सो गाइस ये रहा सोफा, मैंगो कलर की सोफा मैंने चूज की हूँ देखिए, ये डबल के लिए सोफा और जो ये है ना ट्रिपल के लिए सोफा है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे डेकोरेट की हूँ। और ये कलर मुझे बहुत पसंद आया देखिए, मैं बैठ के दिखाती हूँ। मुझे लाइट कलर का सोफा बहुत पसंद आती है तो मैंने लाइट कलर का ही बनाई हूँ। ज़्यादातर लोग डार्क कलर बनाते हैं ताकि मेंटेनेंस करने में थोड़ा आसानी रहेगा, लेकिन मैं तो डार्क कलर मुझे पसंद नहीं आती तो मैंने लाइट कलर बनाई हूँ। ऐसे भी सुनो गंदा करती है लेकिन मुझे इन करना पड़ता है, क्या करे बच्चा है तो गंदा करेगी। सो गाइस ये रहा लिविंग रूम का फॉल सीलिंग। तो देखिए फॉल सीलिंग कुछ इस तरह है, ऐसा है फॉल सीलिंग कुछ ऐसा है। ऊपर का तो गाइस अभी चलिए मैं आप लोगों को ले चलती हूँ किचन की ओर। सो गाइस वेलकम टू माय किचन। ये रहा मेरा किचन एरिया जिसमें कि मैं हर दिन खाना बनाती हूँ। और देखिए मैं लाइट ऑन कर देती हूँ और यहाँ पे किचन का भी मैंने फॉल सीलिंग करवाई हूँ, बस सिंपल सा फॉल सीलिंग हुआ है, 4 लाइट ही लगवाई हूँ इधर। ये रहा ऑल अबाउट माय किचन। और ये ना जो किचन का जो आप अपने देख रहे हैं कलर कॉम्बिनेशन, ये सारे मैंने मेरे हिसाब से चूज की हूँ। सो गाइस ये जो किचन का एरिया है ना, ये मेरे हिसाब से मैंने चूज की हूँ। पापा जी ने बोले थे तुमको जो पसंद है वो कलर हमने यहाँ पे करेंगे, तो मुझे पसंद था ग्रीन एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन तो मैंने ये चूज किया और फाइनली डन हो गया। तो चलिए मैं एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले स्टार्ट करती हूँ मंदिर यूनिट से। सो गाइस ये रहा मेरा भगवान का जगह जहाँ पे कि भगवान को मैं रखी हूँ। यहाँ पे
इस छोटा वाला थोड़ा मंदिर यूनिट है, क्योंकि घर के हिसाब से मैंने मंदिर बनाई हूँ। एक्रेलिक शीट है ये, एक्रेलिक शीट में मैंने बनवाई हूँ टेम्पल यूनिट। सबको पसंद आती है। एक्चुअली यहाँ पे डोर नहीं है, कोई राजस्थान का कोई कारपेंटर बनाया है, राजस्थान लोगों का शायद, उनका जो मंदिर यूनिट में डोर नहीं रहता है, वो बोले है ऐसे ओपन रखने के लिए, तो हमने ऐसे बना दिए टेम्पल एवने। देखिए यहाँ पे ड्रॉ भी है, अगर पूजा के लिए हम कुछ थाली वगैरह सेट करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे देख ड्रॉ दिया है जहाँ पे की पूजा का पूरा सामान रहता है मेरा। और यहाँ पे भी नीचे भी एक ड्रॉ दिया है, यहाँ पे पापा की पूजा की कपड़ा वगैरह रहता है। तो ये तीन रहा हमारा ड्रॉस, और उसके ऊपर यहाँ पे भगवान को बिठाए हैं, और ये दो सेल्फ दिए जहाँ कोई हम भी रख सकते हैं। सो गाइस चलिए अभी किचन के बारे में भी बताती हूँ। तो यहाँ पे दिया है एक डोर ये वाली, और ये वाली भी दिया ग्लास का, और ऐसे ये, और ये रहा चिमनी, और ऊपर में ओवरहेड यूनिट। तो गाइस आप लोगों को मेरी किचन पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोगों को मैं अभी ले चलती हूँ रेस्ट रूम की ओर। ये रहा हमारा मास्टर बेडरूम, सो गाइस ये रहा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम को भी हमने हमारा हिसाब से कलर चूज किए हैं। इसी दीवार को जो हेड रहता है यहाँ पे हमने रेड कलर का कलर दिया, और ये जो आपने देख रहे हो दीवार का जो डेकोरेशन, हमें ये भी ऑनलाइन पे ऑर्डर किए थे। अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और हेड के लिए हमने ये कलर चूज किए वेलवेट का, और ये हमने कारपेंटर को बोल के बड़ा वाला बेड ही बनाए थे, क्योंकि सुनू को ज़्यादा जगह चाहिए था इसलिए हमने 7-6 का बेड बनाए। और बाकी रहा ये है रहा हमारा वार्डरोब, जहाँ पे कि ये स्लाइडर है, आप लोग ने देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक लॉक है और वहाँ पे एक लॉक है, तो यहाँ पे सारे मेरा कपड़ा रहता है इसी सेक्शन में। देखिए इसी सेक्शन में मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगी, ये सेक्शन में ऊपर वाला सेक्शन में मेरा साड़ी रहता है, और कुछ गाउन वगैरह रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने अभी कुछ गाउन नहीं रखी हूँ, साड़ी ही रखी हूँ। और ये सेक्शन में मेरा बैग्स वगैरह रहता है, यहाँ पे मेरा जीन्स टॉप, और यहाँ पे कुर्ती सलवार कुछ, यहाँ पे नाइटी वगैरह, और यहाँ पे बेडशीट वगैरह रखती हूँ, यहाँ पे मेरा पढ़ाई का किताब है सारी। सो गाइस यह इस सेक्शन पापा जी का है, तो पापा जी का कपड़ा बहुत कम है, क्योंकि वो लेके अभी गए हैं बाहर ऑफिस जाने के लिए, तो उनका बहुत कम है। उनका ये फॉर्मल सेक्शन, और यहाँ पे विंटर जैकेट वगैरह रहता है, और पुराना सामान कुछ तो इधर इधर पड़ा हुआ है, बैग्स वगैरह इधर रखते हैं। सो गाइस जो ऊपर में दिख रहा है वो लॉफ्ट है हमारा, ट्रॉली बैग वगैरह रहता है लॉफ्ट में, यहाँ से लेकर यहाँ तक उतना ही हमने लॉफ्ट बनवाया है। और देखिए ये जो आप लोग ने देख रहे हैं ये है हमारा वॉशरूम, ये रहा वॉशरूम का डोर। सो गाइस ये है वॉशरूम, ऐसे दिया है वॉशरूम का एरिया। और बेड का एग्जैक्टली जो पीछे है ना, जहाँ पे हमारा पैर के साइड पे, ये हमने टीवी यूनिट जैसे बनवाए हैं, यहाँ पे हमने टीवी फिक्स कर सकते हैं फ्यूचर में, तो इसलिए हमने ऐसे बनाए। और नीचे वाले सेक्शन में ड्रॉयर बनाए, ये भी ड्रॉयर है, बहुत सारे सामान है सारे ड्रॉयर में। और मस्किटो को मारने के लिए तो ये
नेट लगता है हर दिन। और यहाँ पे एक हमने वॉल क्लॉक फिक्स किए। और ये रहा हमारा ड्रेसिंग टेबल, जो कि मैं हर दिन सुनूर में खुद को देखते। ये मिरर काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे हमने शोकेस बनवाए, शोकेस में कुछ भी सजाने के लिए कुछ रखे होंगे, लेकिन फिलहाल हमने कुछ डेकोरेशन के लिए सामान नहीं लाए हैं, धीरे धीरे लाएंगे। ये सुनो का कुछ तो है, और जो था घर में पुराना वाला उसी में ही हमने डेकोरेशन किए हैं, बाद में खरीद के उसको सजाएंगे। और जो ये ड्रेसिंग यूनिट है ना, ड्रेसिंग, तो ये रहा मेरा पूरा कॉस्मेटिक का दुकान। ऊपर में मेडिसिन, और यहाँ पे क्रीम वगैरह, यहाँ पे ऑयल सेक्शन। ये मेरा कॉस्मेटिक का बैग है, ये सारे सुनो की हेयर बैंड है, और ये बैंगल्स का जगह है, ये सारे। और यहाँ पे दो ड्रॉ दिया है जिसमें कि मेरा ईयर रिंग्स, नेकलेस और छोटे छोटे कुछ सामान इधर पड़ा हुआ है। और यहाँ पे सेकंड ड्रॉ में भी ऐसे कुछ बैलून को भुगाने के लिए ये, और मेरा ट्राइपॉड स्टैंड, और बहुत सारे पुराने बैंगल्स, ये सारे इधर हैं, और मेरा स्ट्रेटनर वगैरह। सो गाइस, ये रहा हमारा बेडरूम का विंडो। फिलहाल बोले तो एक बड़ा वाला डोर दिया है, देखिए इधर से भी हम बाहर का व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। मैं पर्दा को हटा के आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए बहुत बड़ा स्लाइडर दिया है, बेड के ऊपर बैठ के हमने आउटर व्यू को एंजॉय कर सकते हैं, इसलिए हमने इसलिए हमने चूज किया है ये घर, कि बेडरूम पे अगर बैठोगे ना पूरा बाहर का मस्त हवा आती है, और अच्छे से वो ग्रीनरी दिखाई देती है। बच्चे जब खेलते हैं ना फील्ड पे, मतलब बच्चे अच्छे से दिखाई देते हैं कि बच्चे कहाँ गए क्या किए, बाउटर का पूरा व्यू दिखता है यहाँ से। तो वैसे ये रहा बेड टेबल, ये एक छोटा सा बेड टेबल है। यहाँ पे भी दो ड्रॉ है, इसमें मेरा वीडियो एडिटिंग का सारा बैटरी है, और मोबाइल हार्ड डिस्क वगैरह है। यहाँ पे कुछ किताबें हैं, सो गाइस ये रहा बेडरूम का फॉल सीलिंग, देखिए फॉल सीलिंग। सो गाइस ये रहा कॉमन एरिया, कॉमन एरिया मीन्स एक छोटा सा यहाँ पे दिया है बेसिन, जो कि कोई भी, मतलब कॉमन एरिया मीन्स कोई भी मेहमान जो भी आएंगे और हम भी ये यूज कर सकते हैं कॉमन एरिया में, ये बेसिन में। और यहाँ पे मैंने एक रखी हूँ हैंड टॉवल, और ये ब्रश रखने के लिए, यहाँ पे सुनो के ही ब्रश रहता है, वो ही करती है। सो गाइस ये जो आप लोग देख रहे हो, ये भी कॉमन वॉशरूम है, तो चलिए मैं भी ये दिखाती हूँ। ये रहा कॉमन वॉशरूम, और यहाँ पे हमने रखा है कुछ फ्लोर क्लीनर, हैंड वॉश और हाथ के वगैरह। तो हमने फिक्स किया है एक एडजस्ट फैन, और यहाँ पे शावर दिया है, और ये नल है, और ये वाला जो आप देख रहे हो सेट स्टैंड, ऑनलाइन से हमने ऑर्डर किए थे। ये रहा ऑल अबाउट कॉमन वॉशरूम, दोनों में हमारा वेस्टर्न टॉयलेट है। सो गाइस चलिए मैं आप लोग को अभी ले चलती हूँ दूसरा बेडरूम, जो कि चिल्ड्रन बेडरूम हम कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा, ये छोटा रूम है, मास्टर बेडरूम जैसे नहीं है, छोटा सा और क्यूट सा भी है। सो गाइस आप लोगों ने देख पा रहे होंगे, बहुत छोटा सा लेकिन क्यूट सा रूम हमने बनाया है, वो भी सुनो के लिए। तो वेलकम टू माई सुनूस बेडरूम कह सकते हैं, लेकिन वो कभी सोती नहीं है यहाँ, उनकी डेडिकेट हमने किए है सुनू के नाम पे, लेकिन वो कभी नहीं सोती है। हम उसको कोई मेहमान आ जाएंगे तो इधर बैठते हैं और रेस्ट करते हैं, लेकिन वो कभी अकेले नहीं सोती है। हमने सुनू के हिसाब से कैसे डेकोरेशन की हूँ, तो चलिए फ्रेंड्स अभी मैंने शेयर करूँगी आप लोग के साथ। पहले मैं शुरुआत करती हूँ यहाँ पे वार्डरोब से। देखिए हमने सुनू की पसंद की यहाँ पे पिंक कलर का ही ये चुना है। ये जो पिंक कलर का शीट है ना, जिसको कि हम सनमाइका कहते हैं,
हमने ये शीट चुना सुनो के लिए। सुनो कि ये रहा वार्डरोब, ये स्लाइडर नहीं है, ये डोर वाली है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, थ्री डोर है उसमें। सुनो का फर्स्ट चेक सेक्शन, जैसे कि बड़े वाली पार्टी वेयर फ्रॉक रखने के लिए, लेकिन इतना जगह भी शॉर्टेज हो रही है तो हमको कभी ज़रूरत पड़ेगा तो उसको हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने निकाल नहीं रही हूँ, फोल्ड करके सारे फ्रॉक रखी हूँ। और यहाँ पे सारे पैंट्स है, और यहाँ पे ड्रेसेस है। और सुनो कि बर्थडे में जो गिफ्ट मिला था सारे मैंने यहाँ पे रखी हूँ, और कुछ खिलौने भी जो खरीद के लाती है यहाँ पे रखती है। और देखिए नीचे में एक बड़ा वाला ड्रॉअर है जहाँ पे कि सुनो का भी बहुत सारे पुराने खिलौना पड़ा हुआ है। और यहाँ पे दो ड्रॉ भी दिए हैं, सुनो का कुछ बनाती है वो क्राफ्ट वगैरह, क्राफ्ट कप वगैरह का सामान है, उसके पर्स है, और ये सारी चीज़ें कलर है एंजल के लिए, कुछ भी बनाती है वो यहाँ पे रख देती है। और यहाँ पे भी एक ड्रॉ है जिसमें कि ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, सुनो का ही है ये वाले। चलिए दूसरा डोर में ओपन करती हूँ। ये साइड में सुनो का कुछ पुराने कपड़े और मेरा ट्रैपिंग का स्टैंड, और यहाँ पे सुनो के स्विमिंग का कॉस्ट्यूम, यहाँ पे भी एक ड्रॉ दिया है। और सुनो के स्कूल की सारे जो ड्रेसेस है ना यहाँ पे रखती हूँ मैंने। यहाँ पे भी सुनो कुछ खिलौना विलौना रखती है, ये भी एक बॉक्स है। फिर भी सुनो को शॉर्टेज होती है, इतना सारे जगह है फिर भी सोनू को शॉर्टेज होती है, सारे चीज़ें हॉल पे फेंक देती है। आज सोनू को मैंने बोल रखी हूँ कि मैंने आज होम टूर करवा रही हूँ, सोनू घर को गंदा नहीं करना, तो आज साइलेंट होके धीरे से बैठी है बात मान के। सो गाइस, दरवाजा के पीछे ना हम जो पहनते हैं कपड़ा यहाँ पे हम रखते हैं। तो चलिए सोनू का अभी हमने देखेंगे, यहाँ पे सोनू की रहती है सारे बुक्स जो स्कूल के लिए लगता है। मैं एक बार ओपन करके दिखाती हूँ आप लोगों को, ये सुनो का सारे स्टडी रिलेटेड किताब है। यहाँ पे पुराना किताब है जो कि ग्रेड वन में पढ़ती थी तो मैंने ऊपर उठाई, और बहुत सारे बुक्स ऊपर भी यहाँ पे है। और ये दिस ईयर का ग्रेड टू का बुक्स है ताकि हम आसानी से निकाल सकें। और हमने छोटा सा बनवाया है यहाँ पे स्टडी टेबल, सुनो की फेवरेट पिंक कलर, तो ये रहा स्टडी टेबल। ऐसे एडजस्टेबल है, हम अगर ज़रूरत नहीं तो उसको हमने डाउन भी कर सकते हैं। और देखिए सुनो का कितना प्यारा सा कंपास बॉक्स जो कि ओपन होता है ऐसे थ्री स्टेप वाली। सुनो की छोटू सा एक क्लॉक है। सो गाइस, आजकल बच्चे वैरायटी वैरायटी कंपास बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, हमारा ज़माना में उतना था ही नहीं तो हमको पता ही नहीं था, लेकिन बच्चे आजकल 10-12 कंपास बॉक्स यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे सुनू के लिए हमने लगवाया ये पर्दा, सुनू की पर्दा देखिए कितना प्यारी से, कितना प्यारी लड़की बैठी है पर्दा के ऊपर बटरफ्लाई के साथ। आप लोग को पसंद आई होगी ये पर्दा, आई होप। हमने ये भी अमेजन से ही ऑर्डर किए थे ये वाले पर्दा। सो गाइस, ये रहा सुनो की बेड, देखिए छोटू सा बेड है जो कि दो आदमी यहाँ पे सो सकते हैं। और यहाँ पे हमने पिंक कलर का ही हेड चूज किए, ये देखिए ये पिंक कलर की। और हम ना ये जो बेड है ना हम ऊपर उठा सकते हैं, एक्चुअली उसका नाम है हाइड्रोलिक बेड। तो दो साइड में हमारे यहाँ पे लगवाए हैं मशीन हाइड्रोलिक, देखिए इस साइड पे और वो साइड पे भी। एक्चुअली उसको हम जब ज़रूरत नहीं है उसको हम ऐसे उठा सकते हैं। तो गाइस आप लोगों को मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगी, ये जो है ना ये हाइड्रोलिक, उसको अगर मैंने खींच लूँगी तो अभी ऊपर उठ जाएगा। अगर जब ये ऊपर उठ जाएगा ना बहुत स्पेस मिलेगा हम लोग को बैठने के लिए नीचे, तो किसी को पसंद नहीं आता है बैठने बैठने के लिए, हमारे जो मेहमान आते हैं तो वो बेड हम उठा देते हैं।
तो ये रहा ओवरहेड यूनिट। देखिए सुनो की पसंद की हमने यहाँ पे रखी सारे टेडी बियर और लाइट्स भी आ रहे होंगे अंदर से। ये रहा पूरा टेडी बियर सेक्शन। हमने उतना डेकोरेशन किए हैं, ज्यादा कर सकते हैं लेकिन फिलहाल हमने किए नहीं। देखिए ये जो लाइट्स है ना, डिफरेंट कलर आती है उसमें। और जो ऊपर का सेक्शन है, जो लॉफ्ट है, तो सुनू का ट्रॉली वगैरह ऊपर में रहता है, पुराना कपड़ा वगैरह हम वहां पे रखते हैं। सो गाइस चलिए अभी मैं ले चलती हूँ हमारा ड्राई बालकनी की ओर, उसके बाद हमने देखेंगे मेन बालकनी। तो चलिए हमारा ड्राई बालकनी एग्जैक्टली हमारा किचन के साइड पे ही है। तो ये रहा हमारा ड्राई बालकनी। देखिए मस्त यहाँ पे ना, जो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से मस्त हवा एंड लाइट दोनों आती है। हमारा इसी घर में लाइट एंड हवा का कभी कम नहीं होता, चारों तरफ, चाहे बेडरूम हो, चाहे हॉल हो, चाहे किचन हो, सारी जगह पे लाइट एंड एयर दोनों अच्छे से आते हैं। तो मुझे बहुत पसंद आती है मेरे घर। एक्चुअली हस्बैंड ने चूज किए है कॉर्नर वाले फ्लैट, जो कि सब कुछ अवेलेबल हो। और यहाँ पे मैंने वॉशिंग का रखी हूँ, ये छोटा सा एक मनी प्लांट है जो कि ठीक से बढ़ नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए झाड़ू वाड़ू वगैरह रखती हूँ। ये छोटा सा ड्राई बालकनी है और यहाँ पे सारी जगह पे मैंने फिक्स की हूँ मस्क्यूटो नेट। देखिए गाइस ये है मस्क्यूटो नेट, ताकि हम मस्क्यूटो से प्रोटेक्शन ले सकते हैं। और ये रहा ग्लास का डोर। और ये है मेरा फ्रिज का जगह, जहाँ पे कि मैंने फ्रिज फिक्स की हूँ। सुनो ना, कुछ भी ला के फ्रिज में ऐसे फिक्स कर देती है। ये छोटा सा फ्रिज, अब तक मैंने ऐसे वाला फ्रिज ही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि छोटा फैमिली है ना, छोटा फैमिली के लिए बड़ा फ्रिज भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो अभी तक मैंने वो सिंगल डोर वाला फ्रिज ही इस्तेमाल कर रही हूँ। सो गाइस चलिए अभी हम चलते हैं मेन बालकनी की ओर। ये रहा मेरा मेन बालकनी। यहाँ पे देखिए मेन बालकनी का व्यू कैसे आप लोग को लग रही है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। देखिए यहाँ पे भी लाइट है और हवा दोनों भी आते हैं। और ये तो बेडरूम से और मेन बालकनी से भी हम व्यू एंजॉय कर सकते हैं यहाँ का। ये जो कपड़ा मैंने शुरुआत में दिखाई थी, तो मैंने फ्लैट का आइडेंटिफाई करने के लिए ये कपड़ा ऐसे डाली थी इधर। और मैं उतना पौधा यहाँ पे लगवाई हूँ, रोज का दो प्लांट, और ये कुछ तो फ्लावर छोटा सा आया है। और ये हिबिस्कस, वहाँ पे तुलसी का माता है। और यहाँ पे कड़ी पत्ता, मेरे कड़ी पत्ता अगर घर पे नहीं रहता है तो यहाँ पे तोड़ तोड़ के मैं लेके जाती हूँ। देखिए और ये जैस्मिन का फ्लावर है कितना सा। और यहाँ पे एलोवेरा और ये कद्दू के छोटे छोटे पौधे हैं। सो गाइस देखिए हमारा बालकनी इतना ही है और ये एरिया खाली है, आप लोग को दिख रहा होगा। तो मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, को इतना बालकनी भी तो बढ़ा देना चाहिए था, लेकिन ओपन क्यों हुआ ना। बिल्डर का यही मानना है कि थोड़ा ओपन रहेगा ना, हवा अच्छे से पास हो पाएगा ऊपर तक, तो इसलिए वो इतना ओपन दिया है, आधा बालकनी दिया है और आधा एरिया वो खुला रखा है। सो गाइस आज था ऑल अबाउट माय होम टूर। आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और एक नया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।